हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेट बायोलॉजी बाय डॉक्टर रीमा। बहुत दिन से एक काम पेंडिंग था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप CSIR के लिए स्पेसिफिक सीरीज लेकर के आइए। मैं गेट BT के लिए बायोप्रोसेस, इम्यूनोलॉजी वगैरह बहुत सारी स्पेसिफिक सीरीज लेकर के आया था, उसमें बहुत सारा टॉपिक CSIR के लिए कॉमन भी था। लेकिन CSIR जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पूछा जाता है जो कि है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और इंटरनेट पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में आपको पता ही है, गिलबर्ट की बुक आती है और उसका 11th एडिशन जो है वो अब से सबसे रीसेंट एडिशन है। लेकिन अगर आपने गिलबर्ट की किताब पढ़ी होगी तो वो उतनी आसान नहीं है समझने में, थोड़ा सा टफ है। तो आपके लिए चीज़ों को आसान करने के लिए CSIR के स्टूडेंट स्पेसिफिकली जिनके एग्जामिनेशन में डेवलपमेंटल बायोलॉजी आता है, और बाकी एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए भी जो जिनके यहाँ डेवलपमेंटल बायोलॉजी एक मेन टॉपिक है यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस के लिए भी, आज से मैं एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ऊपर सारा पोर्शन कवर करने वाला हूँ। ये सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगी। तो उस सीरीज़ का आज ये पहला लेक्चर है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी लेक्चर नंबर 1। इस सीरीज़ या इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जो चैनल पे आने के बाद अगर आपको लगता है कंटेंट अच्छा है, आपका फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। चैनल पे व्यूज़ बहुत अच्छे रहते हैं बट सब्सक्रिप्शन उस तरीके से नहीं आता, उस लेवल का ट्रांसलेशन नहीं होता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और इस सीरीज़ को इंजॉय करिएगा। इस सीरीज़ में जो जो मैं पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराऊँगा, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी चीज़ें डाल दूँगा। अगर आपको पता नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर इसके नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा दूँगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि 30-35 नंबर का आता है, 30-35 मार्क्स का आता है आपका CSIR का, वो बहुत आसानी से आराम से क्लियर हो जाएगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी लेक्चर नंबर 1। देखिए अगर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो पहले डेवलपमेंट का मतलब तो ज़रूर समझ में आना चाहिए, डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक, तो डेवलपमेंट समझने के लिए डेवलपमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं आपसे, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। एक बहुत ही धीमा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है और प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रेसिव का मतलब हो गया ये आगे की तरफ बढ़ने वाला है। ठीक, जनरली क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ऑन करते रहते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं, इसी को मैं बोल रहा हूँ प्रोग्रेसिव चेंजेस। लेकिन ये एकदम से नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है कि माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा तुरंत बड़ा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, धीमे धीमे होते हैं, एक पर्टिकुलर निश्चित दिशा की तरफ होते हैं। अब कोई बच्चा है वो बड़ा ही होगा, एडल्ट फॉर्म की तरफ ही जाएगा, वो एडल्ट से बच्चे की तरफ नहीं बढ़ेगा इन जनरल कंडीशंस। ये कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का। अब इसको मैं एक एनालॉगी की मदद से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए अगर मैं कह रहा हूँ कि एक घर बन रहा है, एक अगर आपने ज़रूर देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स या जो अपार्टमेंट्स बनते हैं, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें day 1 से, तो day 1 में पहले नींव खुदती है, ज़मीन खोदी जाती है, उसके अंदर जो नींव डाली जाती है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकंड, थर्ड, इस तरीके से रोज़ रोज़ अगर आप उस साइट को विज़िट करेंगे तब भी आपको वहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन वो चेंजेस क्या होंगे, बहुत सटल चेंजेस होंगे, बहुत हल्के हल्के चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन यही चीज़ आप अगर एकदम से एक साल बाद देखेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यही एकदम एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, स्लो चेंजेस हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। अब घर बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, तो धीमे धीमे करके उसकी सारी फ्लोर्स बन रही होंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कंप्लीशन की तरफ वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब इसी एनालॉगी को अगर मैं लगाने की कोशिश करूं जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करूं, तो आप समझ पाएंगे कि जैसे कि हम लोग के केस में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, अब हम लोग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो, मैंने स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा, ये इंडिविजुअल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ये इंडिविजुअल।
अब इस इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना किस तरीके से होगा? ये बना तो एक सिंगल सेल से ही होगा, और इस सिंगल सेल का नाम आपने क्या दे रखा है? इस सिंगल सेल को यू आर कॉलिंग इट एज जाइगोट। अब ये जाइगोट बनता कैसे है बेटा? हम सभी लोग जानते हैं कि जाइगोट इज अ सेल दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक, जाइगोट एक सिंगल सेल जरूर है, बट इसके पास बहुत अधिक पावर है, बहुत अधिक ताकत है। क्या करने की? पूरी बॉडी को बनाने की इसके अंदर क्षमता है। यानी कि एक सिंगल सेल से पूरी बॉडी बन सकती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकता है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक, अब देखो सवाल क्या है कि एक सिंगल सेल से, जाइगोट से पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जो रहा है, ये किस मेथड से बन रहा है, कौन सा तरीका है? अब हम लोग जानते हैं कि ये माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक, माइटोसिस मियोसिस सबके बारे में आपको पता है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो जाइगोट जब पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये माइटोसिस के जरिए बनाता है। ठीक, अब याद रखिएगा, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जितनी भी फोटोग्राफ्स मैं दूंगा ऑथेंटिक सोर्सेज से दूंगा, और जो कुछ भी मैं मटेरियल आपको लेकर के आ रहा हूँ वो गिलबर्ट से है, गिलबर्ट, और इसका एडिशन है 11th, जो आपका सबसे रीसेंट एडिशन है वहाँ से लेकर के आ रहा हूँ। जो आप चाहें तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वहाँ से। अब गिलबर्ट में जो 11th एडिशन गिलबर्ट है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मेंशन्ड है कि इट इज़ द रूट वाया विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम जीनोटाइप टू फीनोटाइप। अब ये देखिए कितनी गहरी बात लिखी हुई है, एक ही बात में सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी है ना। तो गागर में सागर भरना जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, छोटी सी लाइन में सारी बातें कर दी है। क्या बोल रहे हैं ये? अगर वो रूट जिससे ऑर्गेनिज्म जीनोटाइप से अपना फीनोटाइप बनाता है, अभी क्या है, जीनोटाइप का मतलब क्या हो गया, अभी उसके पास सिर्फ जीन्स थे, मतलब वो एक सिंगल सेल था, अभी तक ये जाइगोट के फॉर्म में था। जाइगोट में क्या था? डीएनए था, और डीएनए किसका किसका? मदर और फादर दोनों का डीएनए। डीएनए में क्या है? जीन्स है। दैट मींस अभी तो हम केवल जीनोटाइप ही देख रहे हैं, है ना। जाइगोट के अंदर तो हम केवल जीनोटाइप के बारे में जानते हैं, अभी तो फिनोटाइप बना ही नहीं, उससे पूरा एडल्ट या उससे पूरा चाइल्ड बना ही नहीं। अब इस जीनोटाइप की मदद से वी वुड बी प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड, देन एडल्ट, देन एल्डरली पीपल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से बातें बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये पॉइंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा CSIR नेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली लाइन बाय लाइन कॉपी करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं गिलबर्ट से। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को समझाने का, है ना। अलग अलग क्वेश्चन बना रखे हैं, इन क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ों को समझाने का। अब देखिए डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी टर्म है, ये आपका डेवलपमेंट से मिलता जुलता है। इसको भी यहीं लगे हाथ क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि आगे इससे परेशानी ना हो। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? अब ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये एक मिलता जुलता टर्म जरूर है डेवलपमेंट का, लेकिन ये एक पर्टिकुलर फेज है। कहाँ से कहाँ तक का फेज है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि ये देखिए ये स्पर्म है और ये एग है, ये आपस में फ्यूज करने के बाद एक जाइगोट बना लेते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का जो फेज है, इसको बोला जाता है, इसको स्टडी को, इसकी स्टडी को बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजी। इसकी स्टडी को बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट एक और सवाल आता है। तो एम्ब्रियोलॉजी क्लियर हो गया। अब एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंट का अंतर समझिए। देखिए एम्ब्रियोलॉजी में मैंने कहा फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक का जो फेज है उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है उसमें और एम्ब्रियोलॉजी में क्या अंतर है? देखिए डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ स्टेजेस के थ्रू पास करेगा, उसके बाद जो बेबी बनेगा, जो फीटस बनेगा, उसकी बर्थ होगी,
बर्थ के बाद वो ग्रो करेगा और चाइल्ड बनेगा, मतलब एडल्ट बनेगा। एडल्ट के बाद वो ओल्ड होगा और ओल्ड के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कंटिन्यूअस होता है। वो उसके इसका ये जो प्रोसेस है इसका अंत यानी कि डेवलपमेंट रुकेगा कब? एट द टाइम ऑफ डेथ। ऐसा क्यों कह सकते हो सर? ये क्या चेंज है? डेवलपमेंट को आप लगातार क्यों बोल रहे हो? अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर 24-25 साल की बात तो हाइट बंद हो जाती है, रुकना, तो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है हमारा? देखिए, डेवलपमेंट बहुत सारे स्तर पे होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब आपने नहाते हो जब आप, तो आपकी बॉडी के बहुत सारे सेल्स जो हैं वो रिमूव आउट हो जाते हैं, ड्रेन में चले जाते हैं, है ना? और फिर आपके नंबर ऑफ सेल्स फिर से नीचे से ऊपर आ जाते हैं, एपिडर्मिस दोबारा से सेल्स को कंस्ट्रक्ट कर देती है। इसी का एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जब आप कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ दिन भर, तो मेरी टंग को बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से बहुत सारे सेल्स शेड ऑफ होते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं वहाँ पे। ठीक इसी तरीके से जब आपका आपका आप फूड इनटेक कर रहे हो, फूड का इनटेक किया आपने, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें एक्सक्रीट आउट हुई, बहुत सारी चीज़ें आपने एसिमिलेट कर ली अपनी बॉडी के अंदर। ये क्या हो रहा है? अब बहुत सारी चीज़ें जिस जो आपने एसिमिलेट की उससे प्रोटीन्स बने, उससे शुगर बनी, बहुत सारी चीज़ें बनी। तो ये क्या हो रहा है? रोज़ का रोज़ हर सेकेंड आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो डेवलपमेंट कंटिन्यूअस क्यों बोला, ये समझ में आ गया होगा। अब इसी बात तो जैसा मैंने अभी अभी कहा कि डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, इस चीज़ को मैं आपको दिखाने के लिए एक GIF लेकर के आया हूँ। इस GIF में मैंने दिखाया है कि किस तरीके से जाइगोट से आपका एम्ब्रियो फॉर्म होता है, उसमें मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, अलग अलग स्टेजेस के जरिए पास होकर के चाइल्ड बर्थ होता है, बर्थ के बाद एडल्ट स्टेज और एडल्ट के बाद डेथ स्टेज आती है। तो इस GIF को ज़रूर देखिएगा और इसको देखने के बाद आपको क्लियरिटी होगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ डेवलपमेंट कंटिन्यूअस इवेंट है। तो चलिए देखते हैं, ये है GIF, मैं इसको प्ले करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये आपका जाइगोट है, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होने के बाद चाइल्ड बर्थ हो गया, धीमे चाइल्ड हुआ, एडल्ट फॉर्म होने जा रहा है अब। उसके बाद एज बढ़ती जा रही है, उसके बाद क्या होगा, आपका ओल्ड हुआ और उसके बाद फाइनली डेथ हो गई। तो ये ही दिखा रहा है बेसिकली कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस इवेंट है। उम्मीद है कि ये GIF देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आखिर हम डेवलपमेंट को कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं। चलिए तो अब बात कर लेते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट की कई सारी स्टेजेस हैं। अभी हमको इन सब स्टेजेस के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कुछ बस केवल ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। हम इन स्टेजेस के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, पूरा डीप में एक एक स्टेज को पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस मौजूद होती हैं डेवलपमेंट में। तो पहली स्टेज कौन सी होती है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्टिलाइजेशन है। सेकेंड स्टेज क्या है, क्लीवेज है। थर्ड स्टेज गैस्ट्रुलेशन, फोर्थ स्टेज ऑर्गेनोजेनेसिस, फिफ्थ स्टेज मेटामॉर्फोसिस, सिक्स्थ स्टेज जो है वो रीजनरेशन है, सेवेंथ स्टेज जो है वो सेनेसेंस की स्टेज है। तो ये सात स्टेजेस जो होती हैं वो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस हैं। क्या ये देख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो है, ये फोटोग्राफ जो है, ये गिलबर्ट की है। मैं रेफरेंस दे देता हूँ, रेफरेंस गिलबर्ट 11th एडिशन। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो, बहुत डेप्थ में बजाने वाला नहीं हूँ मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा बस ग्रेजुअली बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फ्रॉग है, ठीक। फ्रॉग ने यहाँ पे स्पर्म बनाया होगा या ऊसाइट बनाया होगा, आप देख सकते हैं ये स्पर्म है और ये ऊसाइट है, यानी कि ये क्या है, ये गैमीट्स हैं, फ्रॉग के गैमीट्स हैं। जब ये गैमीट्स फ्यूज करेंगे आपस में तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, आपका जर्म प्लाज्म जाइगोट बन गया। अब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस डिवीजन होगा यहाँ पे। तो फर्टिलाइजेशन आपने यहाँ पे देखा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपने नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे देखिए क्लीवेज, क्लीवेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आप देख सकते हो गैस्ट्रुलेशन।
अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, बेसिकली क्लीवेज का स्टेज क्या है, वहां पे मल्टीपल डिविजन्स हो रहे हैं, कंटिन्यूअस डिविजन्स हो रहे हैं। गैस्ट्रुलेशन के स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे आपके तीनों जर्म लेयर्स बनके तैयार हो जाएंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर्स बनके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, ऑर्गन्स का जनरेशन होगा, फिर हैचिंग यानी कि बर्थ हो जाएगी, और उसके बाद आप लार्वल स्टेजेस देख सकते हैं, मेटामॉर्फोसिस देख सकते हैं, फिर रीजेनरेशन, और उसके बाद सेनेसेंस आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस हम डेप्थ में पढ़ेंगे एक एक करके। अभी के लिए मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि डेवलपमेंट की इतनी स्टेजेस पॉसिबल होती हैं। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई डेवलपमेंट, अब कैसे आप कहोगे या कैसे पहचानोगे कि कहीं पर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या तरीके, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे देख करके कहोगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो डेवलपमेंट के पांच साइंस हैं या पांच सिम्टम्स हैं, पांच तरीके से आप पहचान सकते हो। पहली चीज जो हो गई वो हो गई ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, सपोज करिए एक सेल का साइज ये है, पहले दिन आपने देखा, दूसरे दिन देखा ये सेल का साइज ये हो गया, तीसरे दिन देखा सेल का साइज ये हो गया, चौथे दिन देखा सेल का साइज ये हो गया, तो ये क्या हो रहा है, द सेल साइज इज इंक्रीजिंग, सेल साइज इज इंक्रीजिंग। अब सेल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं होना हो ये बायोमास को एक्यूमुलेट कर रहा होगा, अगर ये बायोमास को एक्यूमुलेट कर रहा होगा तभी इसका साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इसका अगर साइज बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि इस सेल का ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम कह रहे हैं ये मेरा एक सेल था, इस एक सेल से मेरे दो सेल बन के तैयार हो गए, यानी कि यहां पे क्या देखने को मिला, सेल डिवीजन देखने को मिला, सेल डिवीजन देखने को मिला। अगेन सेल डिवीजन का प्रोसेस भी क्या दिखा रहा है कि ये ग्रोथ हो रही है यहां पे, यानी कि ये डेवलपमेंट हो रहा है यहां पे। तो सेल डिवीजन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये दोनों प्रोसेसेस क्या दिखा रहे हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि शुरुआत में एम्ब्रियो जो होता है या जो आपका जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है, अब ये जो जाइगोट है ये बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब सभी सेल्स का, पूरा पूरा जितने भी सेल्स हैं वो उन सब का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक, अब क्यों क्यों कर सकता है, बिकॉज इट इज हैविंग स्टेम सेल्स, यहां पर स्टेम सेल है। तो कहने का मतलब है कि जब आपका फंक्शन अभी डिफाइंड नहीं है, मतलब आप ये पता नहीं है कि आप कौन सा फंक्शन करने वाले हो या आप कौन सा काम करने वाले हो, तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब उनका अभी काम नहीं डिफाइंड है, उन सेल्स को क्या बोला जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोला जाएगा। और जब किसी सेल का फंक्शन डिफाइन हो जाता है, फंक्शन मतलब जैसे कि मान लीजिए पता चल गया कि ये सेल अब लंग का सेल है, ये सेल अब हार्ट का सेल है, ये सेल अब लीवर का सेल है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये सेल्स क्या होते जा रहे हैं, डिफरेंशिएटेड होते जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द फंक्शन इज डिटरमाइंड, फंक्शन इज डिटरमाइंड। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली स्टेम सेल था, स्टेम सेल का फंक्शन डिटरमाइन नहीं होता, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ये सेल अब अपना फंक्शन डिटरमाइन कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि भाई मुझे ये चीजें बनानी है, या मुझे लिवर सेल के अंदर काम करना है, या मुझे आई सेल बनाना है, या मुझे लंग सेल के अंदर जाना है, लंग सेल बनाना है। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टीज देख ली, ग्रोथ, डिवीजन और डिफरेंशिएशन, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज क्या बता रही हैं, ये डेवलपमेंट को दिखाती हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, पैटर्न फॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो गिलबर्ट है उसमें क्या लिखा है, फिर उसको आसान शब्दों में आपको मैं बताऊंगा। पैटर्न फॉर्मेशन का जो डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, इट इज द सेट ऑफ प्रोसेसेस by which embryonic cells form ordered spatial arrangements of differentiated tissues of
डिफरेंशिएटेड टिश्यूज। तो ये आपकी गिलबर्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है वो है। तो सेट ऑफ प्रोसेसेस बाय विच एम्ब्रियोनिक सेल्स फॉर्म ऑर्डर्ड स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, मतलब टिश्यूज का स्पेशियल मतलब 3D में टिश्यूज का अरेंजमेंट प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ किसके, अलग अलग प्रोसेसेस के जरिए, किसके द्वारा, एम्ब्रियोनिक सेल्स के द्वारा। एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, एम्ब्रियोनिक सेल्स के द्वारा टिश्यूज का फॉर्मेशन अलग अलग 3D स्पेस में, इसी को पैटर्न फॉर्मेशन कहते हैं। अब मैं अगर आपको ये दिखाऊं, हर चीज का नेचर में मोर और लेस एक पैटर्न होता है। जैसे कि आप ये लॉग ऑफ वुड देखिए, यहाँ पे आपको बाहर की तरफ आपको लाइट कलर का वुड देखने को मिल रहा है और अंदर की तरफ आपको डार्क वुड देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये कोई हैपहैजर्ड में नहीं है, ये एक नेचुरल और एक प्रोग्रेसिव और एक तरीका है जिसको हम कह सकते हैं कि पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, मैन मेड यहाँ पे रास्ता है। अब इस रास्ते में भी जितनी भी चीज़ें अरेंज की गई हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज की गई हैं, जितने भी रास्ते में जो ब्रिक्स अरेंज किए गए हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज किए, तो ये पैटर्न है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये एक लीव्स हैं कुछ, अब इन लीव्स को ग्रो करने का ये कुछ पैटर्न है, और यहाँ पे देखिए लीव्स के ग्रो करने का अलग पैटर्न है, देख पा रहे हैं। दैट मीन्स हर चीज का पैटर्न डिफाइंड है। उसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर भी जो 3D जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, उस स्ट्रक्चर में कौन सा टिश्यू कहाँ पे अरेंज्ड होगा, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स डिसाइड कर लेते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। इसी को बोलते हैं पैटर्न का फॉर्मेशन। अब जैसे कि अगर आप हाथ की बात करें, तो ये हाथ का जो ये पोर्शन है ये यहीं पे है, यहाँ पे नहीं आ जा रहा है, या जो हार्ट है वो यहाँ पे ही है, पीछे नहीं आ जा रहा। इस तरीके से पूरा का पूरा एक 3D अरेंजमेंट पहले से ही डिफाइंड है, उसको जब वो अचीव होता है या पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ये अगेन डिफाइन कर रहा होता है कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस की भी डेफिनेशन आपके गिलबर्ट से मैं लेता हूँ, उसके बाद उसको इजी टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बताया गिलबर्ट में थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, इसको मैं लिख करके फिर से आपको समझाता हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स कंप्लीट रहे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर्स वाया कोऑर्डिनेटेड सेल ग्रोथ सेल माइग्रेशन एंड सेल डेथ। इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना जो कि फंक्शनल हो, किस तरीके से, वाया सेल की ग्रोथ के जरिए, सेल्स के माइग्रेशन के जरिए और सेल की डेथ के जरिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये ह्यूमन हैंड आप देख सकते हो, शुरुआत में डिजिट का स्पेसिफिकेशन देखिए ये इस तरीके का रहा होगा, उसके बाद ग्रेजुअली आपके डिजिट्स बनने शुरू हुए, फिर यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर डिफरेंस जो ग्रूव्स है वो बनने शुरू हुए यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए और नीचे ग्रूव गहरा होगा, और फाइनली फिर इस तरीके का आपका जो हाथ है वो बन करके तैयार हो गया। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हुआ होगा, जो सेल्स है यहाँ पे, यहाँ के जो सेल्स होंगे उनके अंदर एपोप्टोसिस देखने को मिली होगी, क्योंकि यहाँ पे तो सेल्स मौजूद है, यहाँ पे तो सारे सेल्स मौजूद है, बट यहाँ पे जाकर के देखिए ये बीच में क्या हो रहा है, बीच में कैविटी सी जो दिख रही है, इसका मतलब जो बीच वाले सेल्स थे उनके अंदर क्या हो गया, एपोप्टोसिस हो गई होगी, उनकी डेथ हो गई होगी। बहुत सारे सेल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए होंगे, बहुत सारे सेल्स साइज में बड़े हुए होंगे, बहुत सारे सेल्स ने डिवाइड किया होगा, इसी को हम बोल रहे हैं, ये जो सारी एक्टिविटीज हुई इसको हम क्या मिला के बोल रहे हैं, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस में वी आर ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स ऑफ द बॉडी इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, काम करने वाले स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज किया, और किस किस मेथड से ऑर्गेनाइज किया, सेल ग्रोथ की मदद से, सेल माइग्रेशन की मदद से और सेल के डेथ की मदद से। तो यहाँ पे जो एपोप्टोसिस की बात कर रहा था ये क्या है, सेल का डेथ, सेल का मूवमेंट भी हुआ होगा, बहुत सारे सेल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सेल की ग्रोथ भी हुई होगी। तो ये 5 के 5 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये 5 पॉइंट्स दिखाते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ जिसमें हम बात करने वाले थे डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट क्या होता है,
कैसे होता है, कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ये सारी बातें हम लोग डेवलपमेंट में कर ली। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको, आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अंत करने से पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। हम लोगों की क्लासेस में गेट बीटी का नया बैच शुरू होने वाला है और गेट बीटी का नया बैच 12 जून से शुरू होने वाला है। ठीक, तो अगर आपके नोन वंस, आपके कलीग्स या आपके दोस्तों में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो गेट बीटी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो प्लीज़ उसको कम्युनिकेट कर दीजिएगा। अगर वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8299134528। ये बैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम 2 टाइम्स रिवीजन कराने वाले हैं। इसके अलावा फ्री डीपीपीज मिलेंगी, फ्री जो आपका सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है वो आप दे सकते हो, फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर उनको कंसल्ट करिएगा, उनको बताइएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।